देश प्रेम से ओत प्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। स्वतंत्रता से पूर्व का हमारे देश का इतिहास ऐसे ही देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है, जिनमें भगत सिंह का नाम स्वतः ही युवाओं के दिलों में देशभक्ति एवं जोश की भावना पैदा कर देता है। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने आप को कुर्बान कर उन्होंने भारत में न केवल क्रांति की एक लहर पैदा कर दी बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी कर दी। यही कारण है कि भगत सिंह आज तक अधिकतर भारतीय युवाओं के आदर्श बने हुए हैं और अब तो भगत सिंह का नाम क्रांति का पर्याय बन चुका है। भगत सिंह अपने जीवन काल में ही अत्यधिक प्रसिद्ध एवं युवाओं के आदर्श बन चुके थे। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर पट्टा भी सीतारमैया ने कहा था, यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय है जितना कि गांधी जी का। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा नामक गांव में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन उनके पिता एवं चाचा जेल से रिहा हुए थे, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें अच्छे भाग्य वाला मानकर उनका नाम भगत सिंह रख दिया था। देशभक्त परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ने को मिला। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें वर्ष 1916-17 में लाहौर के DAV स्कूल में भर्ती कराया गया। रौलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। इस नरसंहार की पूरे देश में भर्त्सना की गई। इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे और जलियांवाला बाग की मिट्टी एक बोतल में भरकर अपने पास रख ली ताकि उन्हें याद रहे कि देश के इस अपमान का बदला उन्हें अत्याचारी अंग्रेजों से लेना है। वर्ष 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, किंतु लाला लाजपत राय ने लाहौर में जब नेशनल कॉलेज की स्थापना की तो भगत सिंह भी इसमें दाखिल हो गए। इसी कॉलेज में वे एसपाल, सुखदेव, तीर्थराम एवं झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भगत सिंह ने आत्मकथा दी डोर टू डेथ आइडियल ऑफ सोशलिज्म स्वाधीनता की लड़ाई में
पंजाब का पहला उभार तथा मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक कृतियों की रचना की। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने इसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतने व्यापक विरोध को देखकर सहायक अधीक्षक सैंडर्स बौखला गया और उसने भीड़ पर लाठी चार्ज करवा दिया। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई।